और चलिए आगे बढ़ते हैं। काजल निषाद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गोरखपुर से प्रत्याशी इनको बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए। काजल जी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए आपके नाम की घोषणा कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सर्वप्रथम भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। और हमारे शीर्ष नेतृत्व और माननीय अखिलेश यादव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जैसे वो कहते हैं पीडीए की लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आधी आबादी और महिला भी जैसे इसमें शामिल है, वो सही साबित हो रहा है। क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है और मेरी जनता का ये आशीर्वाद है कि मैं उनकी लगातार जो लड़ाई लड़ रही हूँ, जनता के बीच में रह रही हूँ, ये उसी का फल है। बहुत कहा जाए कि लंबी चुनौतियां हैं आपके आगे काजल जी, अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पूरा वो क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको वहां पर फाइट करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत जो है करनी पड़ेगी। किस तरह से देखती हैं, कितनी चुनौतियां देखती हैं आगे आप? जी, जो दमदार जो रोल होता है वो अच्छे ही अभिनेता को, अभिनेत्री को दिया जाता है। मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। कितना भी संघर्ष करूं मैं जी और कितना भी चल लूं, लेकिन जनता मुझे आशीर्वाद इस बार इसलिए देने वाली है क्योंकि जो महापौर में मेरे साथ धांधली हुई थी उसका जवाब जनता इस बार लेने वाली है। इसलिए देखिए, मेरा पैर में फ्रैक्चर है लेकिन लाठी लेकर मैं चल रही हूँ और आज मैंने व्हीलचेयर भी ले ली है। मैं व्हीलचेयर में भी चलूंगी। अपनी जनता के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगातार चलूंगी। और चलिए 2024 में ठीक है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। काजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी